नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए अक्सर लेकर आते हैं अनसुलझे किस्से और कहानियाँ। आज एक ऐसा ही किस्सा हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो बेहद ही दर्दनाक है। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के मलकवाल का स्कूल बस हादसा। यूं तो मलकवाल बस हादसे को आज काफ़ी वर्ष हो गए हैं, लेकिन मलकवाल गाँव के जख्म आज भी हरे हैं। आज भी इन लोगों को आशा है कि इनके बच्चे लौट के जरूर आएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नूरपुर विधानसभा के अंतर्गत आते मलकवाल गांव की, जहां पर एक ऐसा कहर बरपा था जिसने अपने आगोश में 28 बच्चों को ले लिया था। आइए तो जानते हैं कि आखिर 9 अप्रैल के उस दिन क्या हुआ था। क्या एक ऐसी खबर आई जिससे मलकवाल के हर घर में चीखों पुकार मच गई। बताते चले कि 9 अप्रैल को अचानक दोपहर के 3 बजे एक ऐसी खबर आई कि नूरपुर के मलकवाल में प्राइवेट स्कूल की बस गहरी खाई में जा गिरी है। खबर मिलते ही प्रदेश भर में मातम छा गया और नूरपुर के इस मलकवाल के गांव के हर घर में चीखों पुकार सुनाई देने लगी, क्योंकि इस गांव के 28 बच्चे मौत की भेंट चढ़ गए थे। कोई पहली बार स्कूल जा रहा था तो कोई स्कूल के रोज जाने वाले बच्चे इस बस में सवार थे। आज काफ़ी वर्ष बीत जाने के बाद भी इस गाँव के लोगों के जख्म हरे के हरे हैं और यह लोग आज भी उस जांच के निष्कर्ष की आशा में बैठे हैं कि शायद जांच रिपोर्ट बता दे कि हादसा कैसे हुआ था। एक लड़की जिसकी शादी होनी थी, उसने इसी स्कूल बस में लिफ्ट ली थी। उसे क्या पता था कि उसकी डोली के बजाय उसकी अर्थी उठ जाएगी। नूरपुर के मलकवाल में लोग सुबह अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करके भेजा था और दोपहर को बस समय पर न आने के कारण सभी लोग परेशान हुए कि आज आखिर बस क्यों नहीं आए। जब इन लोगों को पता चला कि स्कूल बस खाई में गिर गई है तो गांव का माहौल मातम में बदल गया। एक पिता दौड़ता हुआ उस स्थान पर पहुंचा और देखा कि बस गहरी खाई में गिर गई है, तो उसने उस स्थान पर पहुंचकर बच्चों को बचाना शुरू किया। फिर एक महिला कुसुम आई और वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके घर के चारों चिराग बुझ चुके थे। एक एक करके गाँव वालों को पता चला कि स्कूल बस गहरी खाई में गिर गई है, तो गाँव का माहौल मातम में बदल गया। एक तरफ चीखों पुकार थी तो दूसरी तरफ मदद की दरकार थी कि कोई करता भी तो क्या करता। बस इतनी गहरी खाई में जा गिरी थी कि उस तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन कई लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर बच्चों को बचाने के लिए वहां पहुंचे थे। फिर भी 8 बच्चों को बचा लिया गया और 28 बच्चों ने अपनी जान से हाथ धो दिए। नूरपुर अस्पताल का स्टाफ बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम कर रहा था और सरकार के आने का इंतजार था। रात भर बच्चों के शव अस्पताल में रहे। सुबह की बात करें तो सरकार के आने के बाद इन शवों को परिजनों के हवाले किया गया। जैसे तैसे इन बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया। समय के बीतने के साथ साथ सब इस हादसे को भूल गए, लेकिन आज इस गांव में जाकर जब उन पीड़ित परिवार से बात की तो यही पाया कि सरकार ने तो फौरी राहत पहुंचा दी थी, लेकिन सवाल आज भी जांच पर खड़ा होता है। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए कुसुम ने बताया कि उनके 2 बच्चे और उनकी जेठानी के 2 बच्चे इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके थे, लेकिन अब इस घर में दोबारा से 4 बच्चों का जन्म हो चुका है। पलक की मां का कहना है कि जो प्यार वो अपने पहले बच्चे को दे सकती थी, शायद उतना प्यार इन दोनों को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पहले बच्चों की तस्वीर उसकी आँखों से ओझली नहीं होती। वह पल पल उन बच्चों की याद में रोती है जो कि बस हादसे का शिकार हुए थे। वहीं इस हादसे से बची कश का कहना है कि जिस दिन उस बस का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन वह अपने स्कूल नहीं गई थी, जिस वजह से वह आज इस दुनिया में है, लेकिन उसने अपने भाई को खो दिया था। बस हादसे में मौत को गले लगाने वाले बच्चों के परिवार वाले 9 अप्रैल के दिन हर साल शांति हवन करवाते हैं। जिस स्थान से बस गिरी थी उस स्थान पर एक मंदिर बनाया गया है और 28 बच्चों की जान जाने के बाद प्रशासन भी जाग गया और उसी स्थान पर क्रैश बैरियर लगा दिए गए। काश ये क्रैश बैरियर विभाग ने पहले लगाए होते तो 28 बच्चों की जान बच सकती थी। फिलहाल जिस स्कूल की बस हादसे का शिकार हुई थी वह बंद हो चुका है, परंतु नूरपुर की मकलवाल पंचायत के 9 जो भी लोग हैं वो 9 अप्रैल को काला दिवस मनाते हैं। उनके मन में आज भी यही विषय दौड़ता रहता है कि आखिर बस हादसे का कारण क्या रहा था। इस तरह की घटनाएं हिमाचल प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी लगातार हमें देखने को मिलती है, जो काफ़ी ज़्यादा अनसुलझी रहती हैं। इसी तरह के अनसुलझे किस्से और कहानियां हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।